ओम शांति दीदी। मेरे इस देह का नाम स्वामी साक्षी है। मैं लातूर महाराष्ट्र में रहने वाली आत्मा हूँ। मैं बाबा के ज्ञान में 2021 में बीके शिवानी दीदी के वीडियोस देखकर आई हूँ। बट सच्चे दिल से मैं बाबा के ज्ञान में 24 जनवरी 2024 से चल रही हूँ। तो मेरे बाबा के साथ के तो बहुत सारे अनुभव हैं, पर जितने भी अनुभव मुझे याद आएंगे वो सारे अनुभव मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी। तो मेरा बाबा के साथ का पहला अनुभव ये है कि 10th के बाद मुझे साइंस लेकर डॉक्टर बनना था। और साइंस के जितने भी लातूर के कॉलेजेस है उन सारे कॉलेजेस में मैंने मतलब एंट्रेंस एग्ज़ाम दी थी। तो उन सारे एग्ज़ाम्स में मेरा सिलेक्शन हो गया था, पर फीस इतनी ज़्यादा थी कि फीस के कारण मैं किसी में भी एडमिशन नहीं ले पाई। तो फिर मैं बहुत नाराज़ हो गई थी क्योंकि मतलब 4th स्टैंडर्ड से मैं ऐसे रहती थी जैसे मैं डॉक्टर ही हूँ। मतलब मुझे इतना साइंस पसंद था, मुझे इतना ज़्यादा डॉक्टर बनना पसंद था, पर वही ना मिलने के कारण मैं बहुत नाराज़ थी। तो मेरे फैमिली मेम्बर में किसी ने बताया कि VAPM अलमला कॉलेज बहुत अच्छा है, आप उसके लिए ट्राई करो। पर मुझे वो लातूर से दूर था तो मुझे वो कॉलेज नहीं चाहिए था। तो लातूर का स्वामी विवेकानंद कॉलेज था, उसमें मुझे एडमिशन लेना था। तो मैंने बाबा को लेटर लिखा और मैंने बाबा के सामने दो चिट्ठी रखी। एक पर मैंने VAPM अलमला कॉलेज लिखा और एक पे मैंने स्वामी विवेकानंद कॉलेज लिखा। और आँख बंद करके एक चिट्ठी उठाई तो मेरे सामने VAPM अलमला कॉलेज आया। तो मैं बहुत नाराज़ हो गई और मैंने फिर से 3-4 बार यही किया कि मैंने चिट्ठियाँ की, एक मतलब आँख बंद की और एक चिट्ठी उठाई। तो हमेशा मेरे सामने VAPM अलमला कॉलेज ही आया। तो फिर मैं बहुत नाराज़ होकर मैं स्वामी विवेकानंद कॉलेज में एडमिशन करवाने के लिए चली गई। तो वहाँ पे क्या था कि सीट भी खाली थी, जिस ब्रांच में मुझे चाहिए था वो सीट भी खाली थी, फीस भी बहुत अच्छी थी, कॉलेज भी अच्छा था, सब कुछ अच्छा था। पर हुआ यूँ कि मेरे पेरेंट्स को कॉलेज ही पसंद नहीं आया। तो हम जब कॉलेज के बाहर आए तो मैंने बहुत ज़्यादा झगड़ा किया मेरे पेरेंट्स से कि मतलब आपको उसी कॉलेज में क्यों भेजना है इतना दूर। तो मैं बहुत मतलब झगड़ा वगैरह किया और मैं उस VAPM कॉलेज में चली गई एडमिशन करवाने के लिए। तो वहाँ पे क्या था ना, मतलब हम चल रहे हैं ऐसा हमें लग रहा है, बट करवाने का कोई तो और ही है। मतलब बहुत अलग एनर्जी थी वो उस दिन की। मतलब ऐसे लग रहा था कोई तो करवा रहा है हमारे से सब कुछ। मतलब इतना इजीली एडमिशन हो गया, जिस ब्रांच में चाहिए उसी में एडमिशन मिल गया, बहुत अच्छे फीस से हो गया, सब कुछ बहुत इजीली हो गया। और बातों बातों में पता चला कि वो जो HOD सर थे वो भी शिव बाबा के ज्ञान में थे। और फिर लॉकडाउन के बाद जब हमारा कॉलेज शुरू हुआ तो मुझे पता चला उस कॉलेज के आधे से ज़्यादा टीचर्स को और बच्चों को मतलब शिव बाबा का पहले से ही परिचय मिला हुआ है। तो फिर एडमिशन करवा के हम उस कॉलेज से बाहर आ गए तो वहाँ पे उस कॉलेज की सारी बसेस लगी हुई थी और उन सारी बसेस पे शिव बाबा का ज्योति बिंदु स्वरूप सिंबल था। ये दो देख के तो मतलब मुझे शॉक ही लग गया कि मतलब ये कैसे हो सकता है, मतलब यहाँ पर भी बाबा हैं। मतलब बहुत अच्छा हो गया कि इस कॉलेज में मिल गया एडमिशन। मतलब यही होता है हमारे साथ कि मतलब जो हमारे मन में है वो ना हो तो हमें लगता है मतलब अब कुछ तो बहुत मतलब बुराई होने वाला है सब कुछ, बट जो हमारे मन में है वो ना हो तो ऐसा समझो कि वो परमात्मा के मन में है और जो वो सोचेगा वो सब कुछ अच्छे के लिए ही सोचेगा। और ऐसे करके मेरा एडमिशन हो गया। तो मेरा नेक्स्ट अनुभव ये है कि मैंने एक वीडियो में देखा था बाबा के कि बीके शिवानी दीदी ने कहा था कि हमारे घर से 4-5 किलोमीटर की दूरी पर एक बाबा का सेंटर होता ही होता है। तो मैंने भी बाबा के कहा कि बाबा मुझे आपके सेंटर आप कब बुलाओगे, आप मुझे अपना भोग कब खिलाओगे। तो ऐसे करके मैंने बाबा को लेटर लिख दिया और लिखा हुआ लेटर में भूल गई। तो फिर क्या हुआ कि मेरे एक फ्रेंड का मैसेज आता है कि तुम्हें ट्यूशन लगाना है क्या। तो मैंने हाँ कर दिया और उसने मुझे एड्रेस वगैरह भेजा। तो उस एड्रेस पे मतलब मैं जाने के लिए सिटी बस के थ्रू जाने वाली थी। सुबह ट्यूशन का टाइमिंग था 6:30 से 7:30 बजे का। तो मैं ट्यूशन को जाने के लिए निकली। तो सिटी बस में बैठने के बाद मेरे बाजू में मैंने देखा कि 4 से 5 BK दीदी थी। तो मैंने उनसे पूछा आप कहाँ जा रहे हो, तो उन्होंने कहा हम सेंटर जा रहे हैं। उन्होंने मुझे एड्रेस वगैरह बताया और हम शांत बैठ गए। तो उतरते वक्त उनमें से एक दीदी ने मुझे बाबा का भोग दिया और कहा कि इतना ही भोग बचा है, शायद ये बाबा को आपको ही देना था। मतलब ये बहुत दिन से मेरे बैग में है बट मुझे लगा कि आज ही आपको दे देना चाहिए। तो उन्होंने मुझे वो भोग दे दिया।
मतलब बहुत थोड़ा था और मुझे बाबा का भोग मिल गया, तो मुझे वो लेटर याद आया। तो उसमें से एक विश तो बाबा ने पूरी कर दी, मतलब भोग तो खिला दिया। अब सेंटर जाना था, तो कॉलेज करने ट्यूशन करने के बाद मैं डायरेक्टली कॉलेज को चली गई। जब मैं कॉलेज में बैठी तो मुझे ऐसा लगने लगा कोई मुझे खींच रहा है कि मतलब तू यहाँ पर मत बैठ, तू उठ, तू जा नीचे, जा तू बस में बैठ और तू उस एड्रेस पे चली जा। तो ऐसे मुझे बहुत मजे वही टचिंग आ रही थी मेरे माइंड में, हमेशा वही आ रहा था कि मैं यहाँ से उठूँ, मैं नीचे जाऊँ, मैं बस में बैठी हूँ और कुछ भी करूँ उस एड्रेस पे चली जाऊँ बस। तो फिर 3:30 बजे ब्रेक होता है हमारे कॉलेज का, तो वो फार्मेसी की बसेस जाती है और उन बस में पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट्स को नहीं जाने देते। बट उस दिन क्या हुआ मुझे पता नहीं, मैंने किसी टीचर को नहीं कहा, कुछ नहीं कहा, कुछ किसी से कुछ पूछा नहीं, और मैं उस बस में बैठ गई। और मैं पॉलिटेक्निक की स्टूडेंट हूँ, उनको पता था बट उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा। तो मैं ऐसे ही बैठ कर उस एड्रेस पर उतर गई। अब उस एड्रेस पे उतर गई बट मुझे एग्जैक्ट सेंटर का प्लेस पता नहीं था, तो ऐसा लगने लगा जैसे कि कोई मुझे कह रहा है कि तू मतलब सीधा चल या फिर राइट मोड़ या फिर लेफ्ट मोड़, ऐसे मुझे कोई तो बता रहा है ऐसे लग रहा था। और मैं वैसे ही चलती जा रही थी, ऐसे करते करते मेरे सामने सेंटर आया, इतना बड़ा इतना प्यारा लग रहा था वो सेंटर। मैं अंदर चली गई तो वो जो सेंटर की दीदी थी वो बस लॉक लगाने ही वाली थी सेंटर को, मतलब उन्होंने लॉक लिया था हाथ में और वो लगाने ही वाली थी कि मैं वहाँ पे चली गई। तो उन्होंने मुझे अंदर लिया और बाबा का परिचय दिया और कहा तुम कहाँ से हो, मतलब तुम्हारा नाम क्या है, कितने साल से ज्ञानी हो, ये सब उन्होंने मुझे पूछा। और उस दिन सद्गुरुवार था तो उन्होंने मुझे बाबा का भोग भी खिला दिया, सेंटर भी दिखा दिया, बहुत अच्छे से सब कुछ हुआ। और उन्होंने कहा कि कल से सुबह मुरली सुनने आ जाना। तो मैंने ट्यूशन किया और सेंटर चली गई मुरली सुनने के लिए, मतलब बहुत पास था ट्यूशन के, बहुत पास था वो सेंटर। तो ऐसे करके मैं सेंटर चली गई सुबह। तो जैसे ही मैंने सेंटर में अपना पाँव रखा तो बाबा का महावाक्य चल रहा था कि जिसकी भी भक्ति पूरी होती है वही उसी को ही बाबा का परिचय मिलता है। और ये सुन के तो मतलब मुझे बहुत ही अच्छा लगा। जैसे ही मैंने मुरली वगैरह सुन ली पूरी, तो फिर मैं घर आते वक्त ये सोचने लगी कि अगर मैं साइंस ले लेती तो मैं उसी साइंस की स्टडीज़ में वगैरह बिजी हो जाती, और अगर मैंने ये पॉलिटेक्निक नहीं लिया होता तो मैं इस ट्यूशन को नहीं आती, और इस ट्यूशन को आते वक्त मुझे ये सेंटर का एड्रेस नहीं मिलता और इतना सब कुछ मेरे साथ नहीं होता। तो जो भी होता है सब कुछ अच्छे के लिए होता है, सिर्फ वो हमें टाइम निकलने के बाद पता चलता है। तो मेरा नेक्स्ट अनुभव ये है कि हमारे कॉलेज में प्रैक्टिकल ओरल एग्ज़ाम थी, वो मेरी पहली ओरल एग्ज़ाम थी, तो मुझे पता नहीं था कैसे क्वेश्चंस वगैरह पूछते हैं। तो ओरल का टाइम आया और मैम ने मुझे बुलाया, और उसके पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कल मेरी ओरल की एग्ज़ाम थी, तो आज रात को बैठकर मैंने बाबा को लेटर लिखा था। लेटर में बाबा को 5 क्वेश्चंस लिख के दिए थे कि आप यही क्वेश्चंस मुझे पूछने देना, क्योंकि वही क्वेश्चंस की मैं तैयारी करके जा रही हूँ। तो जैसे ही मैं मैम के सामने जाकर बैठ गई तो मैम ने मुझे वही क्वेश्चंस एग्जैक्टली वही वही सीक्वेंस के साथ मुझे पूछे, और ये देख के मुझे बिल्कुल शॉक लग गया। और उस शॉक के कारण मैं मतलब पूरी तरीके से जो भी मैंने आंसर्स याद किए थे वो सारे भूल गई। मुझे समझ भी नहीं आ रहा था कि मतलब ये कैसे हो सकता है, एग्जैक्ट वही क्वेश्चंस वही सीक्वेंस के साथ मैम मुझे कैसे पूछ सकती हैं। तो फिर मैं तो भूल गई, तो मैं बाबा को याद करने लगी। तो मुझे ऐसा लगने लगा कि कोई तो कान में आके मुझे मेरे आंसर्स बता रहा है कि ऐसे ऐसे बोलो, ये आंसर्स बोलो, और वही आंसर्स मैं मैम को बोलने लगी। और ऐसे करके मेरी एग्ज़ाम बहुत अच्छे से हो गई ओरल एग्ज़ाम, और उस एग्ज़ाम में मुझे आउट ऑफ मार्क्स मिल गए। तो मेरा नेक्स्ट अनुभव यह है कि एक बार मैंने सुना था किसी वीडियो में कि एडवांस पार्टी भी होती है। तो मैंने बाबा को कहा था कि बाबा मैं तो इतने देर से ज्ञान में आई हूँ, तो कुछ भी करो पर मुझे आप किसी ना किसी एडवांस पार्टी से मिला दो। ऐसे लेटर लिखा और मैं भूल गई। तो एक दिन क्या होता है, 18 जनवरी 2023 को मैं सेंटर जाती हूँ, तो मेरी मम्मी मम्मी ने कहा था कि सेंटर को जाओ पर 4 बजे से पहले घर को आ जाना कुछ भी हो जाए। तो मैं सेंटर को चली गई। अब 4 बजे मैं निकलने ही वाली थी कि मेरे सामने एक लड़की आई जो कि मेरे एज की थी, और वो दिखने में एकदम मामा जैसी थी, मतलब जो ब्रह्मा बाबा के साथ में जो मामा थे ना उनके जैसी वो बिल्कुल दिखती थी। तो वहाँ पर ही बाजू में एक झूला था और वो नई लड़की थी, मतलब मैंने उसको आज ही सेंटर में देखा था। तो हम उस झूले पर बैठ गए, हमारी मतलब फ्रेंडशिप भी हो गई। तो वो मुझे अपने सारे अनुभव बता रही थी, उसके भी अनुभव मतलब बहुत अनबिलीवेबल,
बहुत ही प्यारे अनुभव थे बाबा के साथ के। तो वो ऐसे सारे अनुभव बता रही थी और फिर उसने कहा कि मैं एडवांस पार्टी की सोल हूँ। मतलब कुछ तो था कि मतलब मैंने ही ऐसे बातों बातें में एडवांस पार्टी का कुछ तो कहा था। तो उसने मुझे कहा, मतलब मैंने बहुत पूछने के बाद उसने मुझे कौन सी सोल है, मतलब जो वो एडवांस पार्टी में जब थी तो उसका नाम क्या था, वो भी उसने मुझे बताया। बट फिर उसने कहा कि तुम ये किसी को मत बताना, नहीं तो लोग मजाक उड़ाएंगे, वो सीरियसली नहीं लेंगे। तो हम बाबा के बच्चे का तो ऐसे मजाक नहीं उड़ा सकते, तो तुम्हें विश्वास हो तो तुम अपने तक ही रखना, किसी को मत बताना। तो इस वजह से मैं आपको उसका नाम नहीं बताऊंगी, बट हाँ हिंट्स देती हूँ मैं आपको कि जब भी हम सेंटर में घूम रहे थे तो हमारे सामने जब भी प्रकाशमणि दादी की फोटो आती थी तो वो ऐसे उसको देखती थी और ऐसे स्माइल करती थी जैसे कि वो खुद को ही देख रही है। तो इतना अच्छे से मुझे बाबा ने एडवांस पार्टी से भी मिला दिया। बाबा ने वो भी लेटर मतलब पढ़ा मेरा बहुत अच्छे से। तो ये सब कुछ हुआ। फिर मेरा नेक्स्ट अनुभव ये है कि अभी पिछले मंथ 6 जनवरी 2024 को हमारी कॉलेज की ट्रिप जाने वाली थी। और ट्रिप का क्या होता है कि पहले ही मतलब 4-5 दिन पहले ही पूरी प्लानिंग करके रख देनी होती है। तो 2 दिन बीत गए बट सिर्फ 5-6 स्टूडेंट्स ने ही नाम दिया था ट्रिप के लिए, उनमें से मैं भी एक थी, तो ज़्यादा स्टूडेंट्स नहीं थे। तो थर्ड डे टीचर और HOD सर ने डिक्लेयर कर दिया आकर कि ट्रिप तो नहीं जाने वाली, कैंसिल होने वाली है, ट्रिप कैंसिल हो गई है क्योंकि बहुत कम स्टूडेंट्स ने नाम दिया है। एटलीस्ट ट्रिप के लिए 50 स्टूडेंट्स तो होने चाहिए। और ये सुन के मतलब डिक्लेयर हो गया था कैंसिल हो गई है ट्रिप, ये सुन के मैं पूरी तरीके से नाराज हो गई। मैं घर पे आई और बाबा को इतना गुस्से से लेटर लिखा ना कि मतलब तूने कर क्या दिया ये, मुझे ये लास्ट ईयर की ट्रिप थी, मुझे जाना ही जाना था, तूने ऐसे कैसे किया, तूने अपने बच्चे की इतनी सी जिद भी नहीं पूरी की। तो ये मैंने बहुत मतलब बहुत गुस्से से मैंने बाबा को लेटर लिखा और मैंने बाबा को कहा अब कुछ भी कर दे, तुझे करना है, 2 दिन बचे, कैसे करना है सब कुछ तू कर दे, मुझे कुछ नहीं पता, मैं जा रही हूँ शॉपिंग करने के लिए ट्रिप की। तो ऐसे मैंने बाबा को लेटर लिखा और मैं ट्रिप की शॉपिंग के लिए चली गई। अब मैं जब शॉपिंग कर रही हूँ तो मुझे डर भी लग रहा है कि अगर इतनी शॉपिंग करने के बाद ट्रिप ही ना निकले तो क्या है फिर। और फिर एक विश्वास भी था कि नहीं आज तक ऐसा कुछ नहीं हुआ कि जो लेटर लिखा है वो बाबा ने पढ़ा ना हो और हेल्प ना की हो, ऐसा हुआ नहीं है। तो बस निश्चिंत हो जाओ, कर लेगा बाबा सब कुछ। ऐसी भी टचिंग आ रही थी और डर भी लग रहा था मन में कि मतलब कैसे होगा। नेक्स्ट डे मैं कॉलेज में जाती हूँ तो मैं आपको सच्चे में बताओ अगले आधे घंटे में 50 से ज़्यादा स्टूडेंट्स ने अपना नाम भी रजिस्टर कर दिया और पेमेंट भी कर दी। मतलब सब कुछ अच्छे से हो गया, बस भी फिक्स हो गई, सब बाबा ने कर दिया एक ही दिन में। और फिर हमारी ट्रिप निकली। अब मेरे सामने ये चैलेंज था क्योंकि जब मैं 10th के बाद इस कॉलेज में आई थी तो मैंने बाबा को प्रॉमिस किया था कि बाबा मुझे नहीं जाना था इस कॉलेज में, तूने मुझे इस कॉलेज में भेजा है तो मैं भले ही देर क्यों ना हो जाए बट मैं उस कॉलेज से टॉप पर स्टूडेंट बनकर ही आऊँगी और हर एक तक तेरा परिचय पहुँचा कर ही उस कॉलेज से आऊँगी, ये मैंने बाबा को प्रॉमिस किया था। और उसी प्रकार मैंने ये चैलेंज लिया था क्योंकि तब लॉकडाउन था तो मैंने चैलेंज लिया था कि मेरे ऑल सब्जेक्ट्स क्लियर होने के बाद या फिर मैं टॉप पर बनने के बाद ही ये मास्क निकालूंगी। तो तब से मैं मास्क पहन रही हूँ। तो अब मेरा 3rd ईयर चल रहा है। मतलब ऐसा नहीं कि मैंने फर्स्ट वगैरह मैंने टॉप वगैरह नहीं किया बट मैं आउट ऑफ मार्क्स से कभी फर्स्ट नहीं आई। मतलब आउट ऑफ के पास आई बट आउट ऑफ मार्क्स लेकर मैं फर्स्ट नहीं आई। फर्स्ट हमेशा आई बट आउट ऑफ मार्क्स नहीं लिए तो चैलेंज पूरा ही नहीं हुआ। तो इस वजह से मैंने मास्क नहीं निकाला। तो अब मुझे मास्क पहनकर ही ट्रिप को जाना था। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज था क्योंकि उस ट्रिप में 3 से 4 बीचेस थे और जब भी हम समुद्र में जाते हैं तो हमें मास्क तो निकालना होगा, फोटोशूट तो करनी होगी, मतलब एंजॉय तो करना होगा ना, मतलब मास्क पहन के कैसे एंजॉय कर सकते हैं। बट फिर भी मैंने बाबा को लेटर में लिखा था कि तू ही मुझे मास्क पहनकर ट्रिप में ले जाएगा और कोई ऐसी सिचुएशन नहीं क्रिएट होने देना कि जिससे मुझे मास्क निकालना पड़े। और हुआ भी वैसे ही। मतलब जब मैं ट्रिप में गई तो इतना इजीली इतना अच्छे से ट्रिप हो गई और मुझे नहीं लगता कि मुझसे ज़्यादा किसने एंजॉय किया होगा ट्रिप को। मतलब इतना खाना वगैरह खाया, इतना एंजॉय किया उस बीच में भी, इतना इतना मतलब अच्छे से किया ना सब कुछ कि मुझे मास्क निकालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी और सब कुछ बहुत अच्छे से कर दिया बाबा ने। मेरा नेक्स्ट अनुभव ये है कि ये रूल है मतलब पॉलिटेक्निक में कि अगर आपके फर्स्ट ईयर के एक भी सब्जेक्ट बैक हो तो आपको 5th सेमेस्टर मतलब 3rd ईयर में एडमिशन नहीं मिलता है। तो वैसे ही मेरे फर्स्ट ईयर के कुछ सब्जेक्ट बैक थे तो मुझे 5th सेमेस्टर में एडमिशन नहीं था। ये मेरा रिजल्ट तो सबको सबके रिजल्ट वगैरह आ गए थे
कुछ लोगों के मतलब कुछ बच्चों के बैकलॉग लग गए थे या फिर कुछ लोगों ने टॉप किया था, तो मेरे तो रह गए बैक। अब मैं तो वाईडी स्टूडेंट थी जिसका ईयर ड्रॉप वगैरह जैसे होता है ना, तो ऐसे मैं भी वाईडी स्टूडेंट थी। तो फिर भी मैंने हिम्मत नहीं छोड़ी और मैंने बाबा को लेटर लिखा और कहा, बाबा मैं हिम्मत करके आपको ये लेटर लिख रही हूँ, आप ही कहते हो हिम्मतें बच्चे मदद बाप, तो मुझे पता है मेरे से गलती हो गई है, मुझे माफ़ कर दो, बट मुझे एक लास्ट चांस दो, चाहे कुछ भी करो, इम्पॉसिबल है मुझे चांस देना, मुझे पता है, बट मेरा आप पर पूरा विश्वास है, आप कुछ ना कुछ तो ज़रूर करोगे। और ऐसा करके मैंने लेटर लिखा और मैं भूल गई। कुछ दिनों बाद क्या होता है कि हमारी जो स्कीम है ना वो चेंज हो जाती है, और स्कीम 5 साल में एक बार ही चेंज होती है, तो इस बार हमारी स्कीम चेंज हो गई और आई स्कीम थी पहले, तो अब के स्कीम आ गई है, और आप देख सकते हो कि हाँ इस बार के स्कीम ही आई है। तो इस वजह से हम सबको ना ओटीओ मिल गया, ओटीओ मतलब वन टाइम अपॉर्चुनिटी, और मुझे चांस मिल गया और मैं 5th सेमेस्टर में आ गई। अब 5th सेमेस्टर में मैं जैसे भी आई तो मैंने बाबा को कहा कि अब तो मैं टॉप करके दिखाऊंगी, तो मैंने यूनिट टेस्ट में तो टॉप कर दिया, मतलब जो भी ओटो के स्टूडेंट्स थे उनमें मैंने टॉप कर दिया। और ऐसे सब कुछ ऐसे से चल रहा था कि मुझे माया ने इतना जकड़ लिया ना, मतलब मैं इतना टाइम पास करने लगी कि मुझे पता ही नहीं चला कि मेरे फाइनल्स कब आ गए। मतलब ये ऐसा सब कुछ मेरे साथ हो गया। अब मेरे कल फाइनल की एग्जाम है बैकलॉग की, और मैं आज रोकर बाबा को रात को लेटर लिख रही हूँ कि बाबा अब कैसे होगा। मुझे इतनी एनजाइटी हो रही थी कि मुझे कुछ याद नहीं हो रहा था, मुझे वही याद आ रहा था जो भी मेरे पिछले बैकलॉग्स थे वही मुझे याद आ रहे थे, और मुझे लग रहा था अब भी नहीं होगा, अब भी नहीं निकलेंगे मेरे सब्जेक्ट्स, यही डर मुझे खाया जा रहा था। और मैंने बाबा को लेटर लिखा, बाबा कुछ नहीं पता, तुझे ही करना है जो कर रहा है, तूने मुझे इस वक्त तक यहाँ तक लाया है, अब ये बस आखिरी सेमेस्टर बचा है, तुझे ही करना है कुछ भी करके। तो मैंने बहुत रो रो कर बाबा को लेटर लिखा, एग्जाम को गई, मुझे पता है मैंने एग्जाम्स कैसे दिए हैं, मेरा माइंड पूरा ब्लैंक हो गया था, मैं थर थर काँप रही थी, मुझे याद ही नहीं आ रहा था कुछ, मैं बस ऐसे बैठ गई थी एग्जाम में कि मुझे कुछ आ ही नहीं रहा है, बट फिर भी बाबा से टचिंग आ रही थी कि बच्चे कुछ तो लिखो, ऐसे ही खाली मत छोड़ो पेपर को, कुछ तो लिखो जिससे कि बाबा कुछ ना कुछ तो कर पाए। तो ऐसे करके मैंने जो भी मुझे क्लासेस का याद आया, जो भी आया, मैंने वो लिखना शुरू कर दिया। ऐसे करते करते मैंने एग्जाम्स तो लिख दिए, बट मुझे पता था कि मैंने क्या लिखा है और क्या नहीं, बट मैंने खाली नहीं छोड़ा पेपर। हम तो फिर 22 दिसंबर को हमारे एग्जाम्स हो गए। अब 24 जनवरी को हमारा रिजल्ट आने वाला था, 1 महीना था मेरे पास। तो मैंने 1 महीने में मुझे नहीं पता मैंने कितने लेटर लिख दिए बाबा को, मतलब इतने लेटर लिख दिए ना कि बस इतने लेटर लिखते जा रही थी कि एक मुरली चली, बीके शिवानी दीदी जो मुरली पढ़ती है ना, उसमें एक लाइन थी कि बच्चे अगर ओके हो तो बाबा को सिर्फ लेटर में ओके लिख के भेजो, अगर नहीं हो तो मत भेजो, बट इतनी बड़ी राम कथाएं लिखकर बाबा को मत भेजो, क्योंकि जितना बड़ा लेटर होगा मतलब आप में, आपके मन में उतना ही बड़ा बोझ होगा, तो आप बाबा को बोझ तो दे दो, बट इतने बड़े लेटर बाबा पढ़ता ही नहीं है, देखता ही नहीं है, जितने बड़े लेटर बाबा उस लेटर को देखता ही नहीं है। ये लाइन सुन के मैं तो सोचने लगी मेरा क्या हुआ होगा, मैंने तो इतने बड़े लेटर लिख दिए, बाबा ने देखा भी होगा या नहीं। तो इस डर से 23 जनवरी 2024 चल रहा था। उस दिन रात को मैं उषा दीदी का एक वीडियो देख रही थी, बीके उषा दीदी का, तो उसमें उन्होंने कहा था कि अगर बाबा से आपको कोई बात मनवानी हो तो आप अमृत वेले बैठकर बाबा को योग में बता दो। तो मुझे तो योग आता नहीं था, लगता ही नहीं था मेरा उतना अच्छा योग, क्योंकि मैंने कभी प्रैक्टिस नहीं की योग की, तो मुझे लेटर ही लिखने की आदत थी। तो मैंने क्या किया, अमृत वेले बैठ करके बाबा को लेटर लिख दिया और कहा कि बाबा अगर तूने इस बार मेरे ऑल सब्जेक्ट्स क्लियर कर दिए ना, तो मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं नेक्स्ट 18 जनवरी 2025 तक तुझे बाप समान आत्मा बन के दिखाऊंगी, भले ही 1 साल हो, भले ही कितनी भी माया क्यों ना आ जाए, बट मैं तुझे बाप समान आत्मा बन के दिखाती हूँ, प्रॉमिस। बस सिर्फ तू मुझे रिटर्न प्रॉमिस ये कर दे कि तू मेरे ऑल सब्जेक्ट्स क्लियर करवाएगा। और ये लेटर मैंने अमृत वेले में लिखा और बस 24 जनवरी आ गई। अब 1 बजे को दोपहर को हमारे रिजल्ट होता है, ये फिक्स होता है उनका डेट वगैरह टाइम वगैरह सब फिक्स होता है, तो 1 बजे को मेरा रिजल्ट आने वाला था। अब मुझे इतनी एनजाइटी हो रही है कि मतलब क्या होगा मेरे साथ, क्योंकि मुझे तो पता है मैंने कितने अच्छे एग्जाम्स दिए या नहीं दिए, क्या है मुझे ही पता है सब, तो मैं तो बहुत डर गई थी। बट मैं पूरे मतलब अमृत वेले से लेके 1 बजे तक यही बाबा को कह रही हूँ कि बाबा
तू कुछ भी कर दे, निकले ना निकले सब्जेक्ट, कुछ हो ना हो, मुझे कुछ नहीं पता, मैं कर लूँगी कुछ ना कुछ अपने लाइफ में, बट हाँ तू कुछ भी कर दे, मैं तेरे से कभी नाराज़ नहीं होऊंगी। हाँ मैं कहती हूँ मैं तेरे से नाराज़ हूँ, बट मैं नाराज़ नहीं हूँ, मैंने कभी तेरा हाथ नहीं छोड़ना है, और बस कुछ भी कर ले आई लव यू, कुछ भी कर ले आई लव यू, निकले ना निकले सब्जेक्ट्स, बस आई लव यू। इतने बार मैंने आई लव यू कहा बाबा को 1 बजे तक, ऐसे नहीं कि मैं अपना काम करवाने के लिए बाबा को आई लव यू कह रही हूँ, ऐसा नहीं, मैं सच्चे दिल से बाबा को कह रही थी कि तू कुछ भी कर दे, मैं तेरे को कभी छोड़ने वाली नहीं हूँ, तो हमेशा मेरे साथ ही रहेगा और मैं भी तेरे साथ हमेशा रहूँगी, बाप समान बन के ही हम एक साथ जाएंगे, ऐसा मैं बाबा को इतना बोल रही थी कि बस। ऐसे करते करते आया 1 बजे मेरा रिजल्ट, और मैं सच्ची बताऊँ मेरे आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा था मुझे कि मेरे ऑल सब्जेक्ट्स क्लियर हो गए थे और मेरा रिजल्ट फर्स्ट क्लास आया था, फर्स्ट टाइम। मतलब हमेशा अब तक मेरा रिजल्ट यही आया था, 80-80, नहीं तो फेल, नहीं तो 2 सब्जेक्ट्स बैक, 4 सब्जेक्ट्स बैक, यही मेरा रिजल्ट आया था, बट इस बार फर्स्ट क्लास के साथ मेरे ऑल सब्जेक्ट्स क्लियर हो गए थे, ये देख के तो मेरे आंखों पे मेरे को विश्वास ही नहीं हो रहा था। मैं रो रो को बाबा को थैंक यू बोल रही हूँ, मेरे सारे फ्रेंड्स को फ़ोन किया और पूछा कि ये मेरा ही रिजल्ट है, मतलब इतना फर्स्ट क्लास और सारे सब्जेक्ट्स क्लियर हो गए, मतलब ऐसे एग्जाम देने के बाद भी बाबा ने मेरी सुन ली, तो ये देख के तो मेरे को विश्वास ही नहीं हो रहा। तो फिर जाकर मैंने बाबा को जो प्रॉमिस किया था कि बाबा अगर मेरे ऑल सब्जेक्ट्स क्लियर हो गए तो मैं बाप समान आत्मा बन के दिखाऊंगी, एंड सेकंड ये किया था कि अगर ऑल सब्जेक्ट्स क्लियर हो गए तो प्रॉमिस कि मैं अपने सारे अनुभव आध्यात्मिक यात्रा चैनल पर शेयर करूंगी, तो वो प्रॉमिस मैं आज पूरा कर रही हूँ और मुझे पूरा विश्वास है। और ऑफिशियली मैं डिक्लेयर करना चाहती हूँ कि 18 जनवरी 2025 को मैं बाप समान आत्मा बनकर मास्क निकालकर टॉपर बनकर आप सबके सामने आकर इस आध्यात्मिक यात्रा चैनल पर अपने जो भी अब से नेक्स्ट जो भी अनुभव होंगे वो सारे अनुभव आकर मैं आप सबके सामने बाबा के अनुभव शेयर करूंगी। अब मेरा नेक्स्ट अनुभव ये है कि मैं हर रोज बस में जाने के वक्त बाबा को कहती हूँ कि बाबा क्या आप मुझे सुन रहे हो, अगर सुन रहे हो तो आज पूरे दिन में मुझे कभी भी कहीं भी आप बस दिख जाओ, आपका सिम्बॉल मुझे दिखना चाहिए। तो मैं आपको बताऊं तो हर दिन मुझे कॉलेज में जाते वक्त तो एक किसी ना किसी कार पे बस पे दिख जाता है आपका सिम्बॉल, मतलब डेली मुझे बाबा फील करवाता है कि मैं हूँ तेरे साथ, मतलब इतनी छोटी छोटी तो इतने अनुभव है ना कि मैं आपको बता ही नहीं सकती। मैं कह रही हूँ ना आपको कि इतने अनुभव बाबा ने दिए हैं, मतलब मैंने कभी योग भी नहीं लगाया अच्छे से बाबा के साथ, फिर भी लेटर पढ़ के बाबा ने मुझे इतने अनुभव दिए हैं, मुझे तो लगता है एक बुक तैयार हो जाएगी बाबा के अनुभव की, इतने अनुभव देता है, इतना एहसास वो करवाता है कि वो हमेशा हमारे साथ ही हैं। तो बस मुझे सारे अनुभव आप सबके साथ शेयर करने थे, और थैंक यू कि मुझे इतनी प्यारी फैमिली मिली है आध्यात्मिक यात्रा चैनल के थ्रू, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, और थैंक यू कि आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी मेरे अनुभव शेयर करवाने के लिए, थैंक यू। सो एंड ओम शांति।